हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको लोड को अपलोड करने के बारे में बताऊंगा कि इसको अपलोड कैसे किया जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये टेंडम लिफ्टिंग के द्वारा ट्रक से लोड को नीचे उतार के और सेटिंग कैसे किया जाता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो ये आप देखें कि ये टेंडम लिफ्टिंग से ये लोड को उठा लिया गया है। अब ये ट्रक यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद में ये जो लोड है उसको नीचे रख के और उसको नीचे रख के उसको सेटिंग किया जाता है, जिस तरह से ये इसको सेट करना है और जहाँ पे रखा जाना है वहाँ पे इस लोड को रख के और पूरी तरह से सेट कर दिया जाता है। और ये सब प्रोसीजर के बीच में एक रिगर होता है जो कि ये दोनों क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देता है और इस रिगर के सिग्नल को ही फॉलो करके और ये लिफ्टिंग को किया जाता है। तो इस टेंडम लिफ्टिंग में रिगर वन को अप्रूवल दिया जाता है सिग्नल देने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोड को नीचे रख के और इसको सेट किया जा रहा है। तो इस लोड को थोड़ा सा आगे पीछे करके ये एक कैंप है जो कि आप जो लोड देख रहे हैं, ये एक कैंप है और इस कैंप को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा जाता है। तो अब ये लोड कंप्लीट हो गया है, अपलोड करके और उसको सेटिंग कर दिया गया है, जिस हिसाब से रखना चाहिए था रख दिया गया है। ये पूरी तरह से ये लोड कंप्लीट है। ये दूसरा लोड आपको दिखा रहे हैं जिसको नीचे उतार के सेटिंग करना है, इसको ऑफलोड करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रेन को यहाँ पे लोड के हिसाब से पार्किंग किया जाता है और पार्किंग करके और फिर इस लोड को टेंडम लिफ्टिंग द्वारा इसको ऑफलोड किया जाएगा, इसको नीचे उतार के। और ये कैंप है, इस कैंप को दूसरे रूमों से कनेक्ट करके रखा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया जा सके, पानी का कनेक्शन दिया जा सके, तो इसी हिसाब से रखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लिफ्ट को तो ये टेंडम लिफ्ट है, इसको टेंडम लिफ्ट कहा जाता है। जैसे दो क्रेन जो लिफ्टिंग करती है इसको टेंडम लिफ्ट कहते हैं। अब ये सीलिंग लगाया जा रहा है, सीलिंग लगा के दोनों क्रेनों का सीलिंग लगा के और एक साथ में इसे उठाया जाएगा। इसको सिग्नल देने के लिए रिगर वन होता है, रिगर वन सिग्नल देगा तो वो सिग्नल को फॉलो किया जाता है। और आपको बता दें, ये जो रिगर वन होता है ये अरामको सर्टिफाइड होता है। यहाँ सऊदी अरबिया में अरामको बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो सर्टिफाइड करती है क्रेन ऑपरेटर और रिगर ऑपरेटर ही क्रेन ये चला सकते हैं रिग पे या कोई भी रिफाइनरी में या प्लांट में। और सर्टिफाइड रिगर वन ही ये टेंडरिंग कराता है, तो इन लोगों को अथॉरिटी दिया जाता है सिग्नल देने का रिगर वन को। और क्रेन ऑपरेटर को आईडी दिया जाता है, अरामको आईडी बनता है, वो अरामको आईडी यहाँ पे जाके अप्रूवल कराया जाता है अरामको आईडी को, तब जाके यहाँ पे काम करने की अनुमति मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये लिफ्ट को उठाया जाएगा, उठा के तो ये लिफ्ट को थोड़ा जो ट्रक है जो लोबेड पे लिफ्ट लोड है जो रूम रखा हुआ है वो रूम को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, लमसम 1 फीट की हाइट के लगभग उठाया जाता है। तो ये ट्रक नीचे से निकल जाएगा और जब ट्रक नीचे से निकल जाता है तो फिर लोड को जो रूम होता है उसे नीचे रख दिया जाएगा और नीचे रख के
और उसके बाद में फिर उसे सेटिंग किया जाता है। सेटिंग करने का मतलब यह है कि वो रूम को दूसरे रूमों के अनुसार रखा जाता है, उससे कनेक्ट करके, और उससे कितनी दूरी होनी चाहिए और उसके लमसम देखने में भी सीधा दिखे, तो इस हिसाब से रूम को रखा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अब लोवेट चला गया है, रूम उठाने जब लोड उठाए हैं तब तो लोवेट निकल गया है। अब इस रूम को नीचे रख के और उसके बाद में उसको कैंप को सेटिंग किया जा रहा है। तो ये एक कैंप है, ये कैंप में ऑफिस होती है और रहने के लिए भी होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं या कोई भी जो रिक पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, क्रू होते हैं, वो लोग रहते हैं। तो ये रहने के लिए ही ये कैंप को सेटिंग किया जाता है। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये कैंप को सेट कर रहे हैं, तो ये कैंप को हर रिग मूव में सेट करना पड़ता है। ये रिग में होता क्या है कि जब एक एक लोकेशन की ड्रिलिंग जब ख़त्म हो जाती है, तो इस रिग को मूव करके दूसरे लोकेशन पे ले जाया जाता है, जहाँ पे नया ड्रिलिंग किया जाता है। तो दूसरे लोकेशन पे ले जाके नया लोकेशन पे ये रूम को फिर सेट किया जाता है, जैसे कि ओल्ड लोकेशन पे होता है। सेम वही पद्धति के अनुसार इसको भी सेट किया जाता है न्यू लोकेशन पे, और सेट करके फिर इसको इस हिसाब से सेट किया जाता है कि हर रूम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, देखने में भी अच्छा दिखे, और जहाँ से रिग का पूरा ऑपरेशन हो सके और वहाँ से नज़र रखा जा सके। और जो ये कैंप में जो ऑफिस होता है, ऑफिस को सामने रखा जाता है, जहाँ से रिग का सब ऑपरेशन, पूरा ऑपरेशन वहाँ से देखा जा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको सेट किया जा रहा है कैंप को। तो दोस्तों, इसी तरह से कोई भी टेंडम लिफ्ट है, उसको लोबेट से ऑफलोड किया जाता है, ऑफलोड करके और उसको रखा जाता है। तो ये लिफ्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, क्रेन का सीलिंग अभी डाउन करके और निकाल दिया गया है। अभी ये इसके बाद का जो लिफ्टिंग है, ये एक जनरेटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं लोबेट के ऊपर रखा हुआ है। तो इस जनरेटर को अभी लिफ्टिंग करके उतारा जाएगा, क्रेन को पार किया जा रहा है, पार करके उसके बाद में सीलिंग लगाया जाएगा। सीलिंग लगा के उसके बाद में ये लिफ्टिंग को लिफ्ट किया जाएगा। अभी सीलिंग लगा के क्रेन रेडी है लिफ्ट को उठाने के लिए। ये एक जनरेटर है जो कि पूरे कैंप में इलेक्ट्रिक का सप्लाई देता है, तो इसको नीचे उतार के रखा जाएगा। इसके पास में एक डीजल टैंक रखा जाता है, जिससे पाइपलाइन के जरिए हमेशा डीजल ये जनरेटर में जाते रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिफ्ट कर लिया गया है जनरेटर को और ये लोबेट यहाँ से निकल रहा है, निकल के जा रहा है। अब इसके बाद में ये जनरेटर को नीचे रख दिया जाएगा, नीचे रख के और इसका जो भी उचित जगह जो निर्धारित किया गया है, उस जगह पर रख के और यहाँ से फिर पूरे कैंप में कनेक्शन दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाएगा ताकि हर रूम में लाइट रहे, एसी चलाया जा सके और लाइट से जो भी सुविधा मिलने वाला है वो उसे मिले। तो दोस्तों, ये टेंडम लिफ्टिंग के द्वारा तो दोस्तों ये वीडियो के द्वारा मैं आपको टेंडम लिफ्टिंग दिखाने की कोशिश किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो
तो एक लाइक बनता है, लाइक के बटन पे क्लिक करिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पे अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेलकम है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, वो लिंक के ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप से, और आप मैसेज करिए मुझे, और आप चाहें तो ही हमारे चैनल पे आप वीडियो डाल सकते हैं। तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं मुझसे और इस चैनल पे वीडियो डाल सकते हैं। अगर आपको आपको भी क्रेन का नॉलेज है तो क्रेन का नॉलेज दे सकते हैं, और लिफ्टिंग के बारे में हमारे दोस्तों को बता सकते हैं, जो कि हमारे दोस्त बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लिफ्टिंग के बारे में जानने के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।